हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? और आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। राम राम जी। कैसे हैं आप जरूर बताना। और आपने, उम्मीद करती हूँ मैं, आप सभी ने बहुत 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 अच्छे से दीपावली मनाई हो, ढेर सारी खुशियों के साथ, ढेर सारी मिठाइयाँ पकवान के साथ और अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी से मनाई होगी। यहाँ पे वंशु अपने पापा को लेके गई थी, थोड़ी फुलझड़ी वगैरह जो भी लिया है आप लोगों के सामने है। और रंगोली इस बार नहीं ली थी, थोड़ा सा मुझे वैसे लग रहा था, बार बार याद आ रहा है, अरे एक भी रंगोली नहीं ली। फिर इन्होंने बोला था जा प्रीति लेके आ जा, मैंने बोला आप काम छोड़ के कौन लेने जाए। तो ये पता नहीं माचिस सा और पता नहीं क्या, हम तो इसे फुलझड़ी कहते हैं और पता नहीं क्या, और वो ज़मीन पे घुमाने वाला मुझे तो नाम भी याद नहीं, हालांकि चक्र, हालांकि मैंने ना जब बड़े पे छोटे पे चलाए थे पटाखे ना अब चलाए। तो ये तीनों बाप बेटी गए थे, मैं तो अपने घर में काम में लगी हुई थी, थोड़ा काम लेट हो जाएगा तो हो गई पूजा। यहाँ पे मैंने साड़ी नहीं पहनी है, ये वाला सूट पहना है। साड़ी इसी कलर की थी जो इनको बहुत पसंद थी, मैंने आपको दिखाई भी थी, पता नहीं कहाँ रखे भूल गई, फिर मुझे ये सूट दिखा तो फिर गाउन है मतलब, फिर मैंने ये पहन लिया। चोटी इस तरीके की बनाई है और कैसा लग रहा है बताना। ट्राइपॉड टूट गया था, ट्राइपॉड को सेट करूंगी। फिलहाल मैं छोले आलू उबलने के लिए रख दूंगी, 2 कप चाय बनाऊंगी, उसके बाद में काम में लगूंगी, फिर पूरे घर को साफ करेंगे। मेन चीज़ आज त्यौहार वाले दिन टैंकर आ गया था, फिर उनको भी दीपावली का गिफ्ट दिया, सब लोगों ने मतलब पैसे जोड़ जोड़ के दे दिए थे। छोले उबलेंगे, तब तक सारी तैयारी कर ली। वंशु बाहर रंगोली बनाने में लगी, उनकी थोड़ी बहुत मदद करी, फिर हेयर स्टाइल वगैरह। मुझे तो क्या टाइम लगा पहनने में, कुछ भी नहीं लगा। साड़ी पहनती तो 10-20 मिनट लगते, इसमें तो कोई टाइम नहीं लगा था। जब ये मैंने लिया था तो मेरे बहुत बहुत ज़्यादा ढीला था उस वाले मकान में, और अब देखिए एकदम से फिटिंग है। हाँ, इसमें ना इन रेडीमेड कपड़ों में क्या होता है, मार्जिन वगैरह नहीं होता। तो मेरी दीपावली तो हर बारी हम छोटी सी फैमिली के साथ ही मनती है, सोचते हैं गाँव में मंगनाएंगे सबके साथ, पर रह जाती, पर कोई नहीं, जहां रहो वहीं। कैसा लग रहा है वैसे? अच्छा लग रहा है, यहाँ बैठी हुई तो और भी अच्छा लग रहा है। पर तो मैंने अकेले दीपावली नहीं मनाई, आप सबके साथ ग्लू गन मनाई की है। पाइप से ग्लू गन फेंक दिया, इससे भी हो जाएगा, क्या करो फिर, अब जरूरत है तो फिर करना होगा। त्योहार है, त्योहार देखो रसोई कैसे फैली हुई है, इधर मेरी चाय भी बन रही है और इधर मेरी ये भी चीजें सही हो रही है, क्या है इधर खीर बन रही है और इधर ये देखो और छोले कुकर में रख दिए मैंने, इधर ये चाह हो तो वहां राहत तो होती है। बच्चों को तैयार करना है, मैं तो तैयार हो गई हूँ, मैंने बोला पहले मैं तैयार हो जाऊँ। सब बताना कि मम्मी अच्छी लग रही है कि नहीं, मैं तो बोल रही हूँ अच्छी लग रही है, वो मम्मी नहीं मान रही है। अच्छा चलो पूछेंगे, बताएंगे सब, ठीक है। पापा के साथ पूछ के चलते हैं, पापा क्या कर रहे हो? क्या लेटा हूँ। कौन सी पिक्चर देख रहे हो? नहीं पता आपको, मैं दिखा देती हूँ ये वाली, देखना जी देखना। मम्मी दिखा रही है अपनी ट्राइपॉड की, ठीक हो गया कि नहीं, नीचे से बाद में पहले ये हो जाए। और यहाँ पे मम्मी ने, पापा ने आज ये टंगाया, ये टंगाया कितना सुंदर लग रहा है ना, है ना पापा? देखो मैंने कहा था, ठीक है बाय बाय गाइस, बहुत बड़ी वीडियो होने वाली है, बाय बाय। यहाँ पे ये देखिए राधा की हेयर स्टाइल बनाई, वंशु की बनाई, घर में बाल बाल हो गए थे तो मैंने बोला जल्दी जल्दी बनवा लो, फिर तो मैं झाड़ू पोछा कर दूंगी, घर में एक भी बाल नहीं दिख रहे। और इसके बाल लंबे हैं पर ना पतले बहुत है, तो फ्रेंच पता नहीं कौन कौन सी चोटी बनाई बनवाते रहते। मैंने बोला आती तो है नहीं, टेम्परेली मतलब कट थोड़ी बहुत ही कर पाती हूँ। तो अभी मैंने बोला ना कि हमने आप सबके साथ दीपावली मनाई, तो सोनावंशी का कह रही थी क्या फ़ोन में से घुस के आ गए, ज़रूरी नहीं है लोग बाग साथ में हों, बस आप लोगों के साथ, आप हमारे कमेंट के जरिए हम मुझ तक अपनी खुशी जाहिर करते हैं, मैं वीडियो के जरिए आप तक अपनी खुशी जाहिर करती हूँ, दुख हो सुख हो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं कि नहीं करते, तो इस तरीके से मनाते। यहाँ पे घर में अंधेरा दिख रहा है, अंधेरा नहीं है, ये 3-4 बजे से क्लिप मैंने स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे ये रंगोली बना रही, बच्चों ने ही बना ली थी, उधर सामने वाली दीदी बना रही, इधर मैं बैठ के बनाने लगी थी और काफ़ी सुंदर बनी है, दिखाएंगी। ये देखो वंशु ने बनाई थी, कलर अच्छे नहीं थे इनमें, फिर हमने गुलाल वगैरह मिला के वंशु की हेयर स्टाइल बना दी है। और बोल रही थी मम्मी कपड़े जब भी पहनूंगी पहले मेरी रंगोली बन जाए, तो मैं अपने खाने पीने में लग गई थी, हेयर स्टाइल अच्छी बनी है ना, शादी में भी इस तरह की क्लिप ले लूँगी।
मसाले सारे मैंने तैयार कर दिए कर लिए थे। क्लिप ना थोड़ी वीडियो भी बड़ी हो गई, फिर मैंने डाली भी नहीं, या मिल भी गई थी और थोड़ी सी आगे पीछे हो गई और एक दो गायब हो जाती है इतनी सारी क्लिप में, ऐसा हो जाता है। यहाँ पे मैंने चाय का पानी खोलने के लिए रख दिया। ये छोटे वाले छोले हैं, चने ही कहेंगे इसे, क्योंकि छोले तो काफ़ी मोटे मोटे होते हैं। यहाँ पर मैं चाय का पानी डाल दे रही हूँ। फिर मैंने छोले मसाले मंगाया, इसमें छोले डाला। पहले सोच रही थी भटूरे बनाऊंगी, फिर भटूरे नहीं बनाए, मैंने पूड़ियाँ बना ली थी, क्योंकि कौन लेने जाते। ये देखिए फाइनल रंगोली बनने पे आ गई, थोड़ी बहुत सी रह गई है जो भी बना देंगे बच्चे। उधर देखो सब, मतलब सब बच्चे एक दूसरे की देखा दूनी कर लेते। यहाँ पे छोले मेरे तैयार हैं, ये डाल दिया है, मसाला डाल दिया, छोले मसाले, और थोड़ा सा इसको मतलब उससे कर देंगे, क्या होता है दबाने वाला, खड़े खड़े थोड़े से अच्छे नहीं लगते ना, और पूजा की तैयारी करते हैं। पापा से क्या कर रहे हैं? पापा देखो क्या कर रहे हैं। अब देखो खड़े होके पूजा होती है, बैठ के सारा कुछ यही रखो। यही जला रहा हूं दिए। लो पापा कितने सारे हैं। लो पापा, और ये वो ला रही है बीड़ी बम। तू फड़ जा, यहां मत फोड़ना। ये तो ये फोड़ ही नहीं पाएगी ऐसे बम। दीपावली का समय चल रहा है, मैंने रंगोली पर जाकर बच्चे का ठीक है। और पलक दीदी ने बनाई तो वो अच्छी दीदी खाती हूँ। और उनकी हो रही, ये देखो जिंदगी को दिखा रही उनकी सुंदर लग रही है, सुंदर लग रहा है। सब पटाखे फोड़ रहे हैं। मम्मी यहाँ पे क्या बना रही हो? मम्मी अठौरी सेक रही पूजा के लिए। ये तो वो क्यों रहा है? लाइट बल्ब लगाओ, कुछ भी लगाओ। नहीं वो ग्रीन जो ये ग्रीन पेंट है ना, वो आ रहा है देखो। और यहाँ पे तो अच्छे आ रहा है, ये ग्रीन पेंट का आ रहा है। मम्मी क्या सेक रही हो आप? अठौरी सेक रही हूँ पूजा करने के लिए। कितनी? पापा देखो कितने हीरो लग रहे हैं। पापा बोल रहे मैं तो जीरो लग रहा हूँ। अच्छे लग रहे हैं ना पापा? बता दीजिए कमेंट में। और अभी दिए और यहाँ पे सुंदर पूजा करेंगे। और यहाँ पे मम्मी पूजा करके दिए पहले जलते हैं हमेशा। दिए पहले दिए जलते हैं, फिर पूजा बाद में होती है। मम्मी यहाँ पे भटोरी खिलाएगी, क्या करोगी? रखी जाएंगी, फिर भोग लगेगा और मैं करूंगा। भोग लगेगा फिर पूजा समाप्त तो होगी, फिर पटाखे पूजा करने के बाद आपसे बाय बाय टाटा। यहाँ पे सारी मैंने माला वगैरह सब तैयार कर ली। यहाँ पे मैं छोटे छोटे से पैर बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो बन भी गए थे, पर ना पांच उंगली की जगह छह उंगली बन गई थी। फिर ये लोग हंस रहे, फिर मैंने उसको सही किया। ये देखो इस तरीके से अच्छे लग रहे हैं ना। यहाँ पे इन्होंने ही सारी तैयारी कर ली थी, मैंने बस वो रखा है, दिए वगैरह सारे जला के, जो भी पैसे ऐसे जो भी होते हैं, वो जो भी मतलब करना होता है वो सारी चीज़ें। देखो अच्छा लग रहा है ना तैयार करा है। तो यहाँ पे ये इन्होंने इस तरीके से तैयार कर लिया। वंशु ने सारा दिखाया ही है, जल लोटा वोटा भर के सब तैयार कर लिए। बच्चों की बच्चे मतलब हर चीज़ में होता है ना कि करने का। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से हमने रखा और तैयारी की और बस पूजा करने बैठे। वैसे आरती पिछली बार भी हमने रियल आरती सुनाई थी, पर इस बार कुछ ज़्यादा ही तेज डीजे चल रहे थे, कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा था, तो इस बार फिर हमने आरती सुनाई नहीं, बस वॉइस ओवर कर दे रही हूँ गणेश जी लक्ष्मी मैया, और हमने सबकी आरती पढ़कर अपनी आरती को संपन्न किया। ये देखिए भोग ओग लगाया इन्होंने, मतलब इनकी रूमाल मिल नहीं रहा था, फिर मैंने अपना धुला हुआ दुपट्टा इनके सर पे डाला, कहते हैं ना खाली। और वंशु इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि वो वीडियो बनाने में लग रही है, और ट्राइपॉड आपको पता है टूट गया है, और लाइट की भी मैं इनसे बोल रही हूँ लाइट सही करा दो, सही कर, अभी मैं कल तो ज़रूरी सही कराऊँ, क्योंकि अंधेरा अंधेरा आता है ना तो थोड़ा सा वैसे रहता है। ट्राइपॉड तो मैंने सही कर लिया, तो इस तरीके से रही। बस यही कामना करती हूँ मैया रानी सब के घर में हंसी खुशी से भरा पूरा घर रहे, और ढेर सारी लक्ष्मी आए। रात को गेट किस किस ने खोल के सोया था कमेंट करके बताना, हमने तो नहीं खोया था, क्योंकि ना बहुत तेज तेज पटाखे वो वाले जो मक्के में कौआ चिड़ैया उड़ाने के लिए करते हैं ना, खुला था कमरे का खोल के सोए थे, बाहर मेन गेट का थो ना खोल के सोए थे। भोग लगाया और बस इनको गला बैठ गया आरती गाने में ही। तो मैं पूड़ियाँ सेक रही हूँ, ये वाली पूड़ी हमारी यूपी में बनती है, बड़ी बड़ी पूड़ी, क्योंकि मेरी जयमाला में ना वीडियो बनी है ना,
तो ये पूड़ियां ही दिखाते हुए बनी है। नहीं डॉक्टर वो नहीं है, पूड़ियां बनाई ऐसी शादी में बनती है, मेरी शादी में ऐसी पूड़ियां बनी थी। कचौड़ी के आलू फोड़ लिए हैं और इससे भी बड़ी पूड़ियां बनती है, मिठाती बहुत है, अच्छी लगती है। आलू में मैंने वो कर लिया है, छोले बनके तैयार है, सब कुछ रेडी है, बस सेकेंगे फिर रख देंगे इसको साइड से, पटाखे उठाके बच्चों को छुड़वा के तब करेंगे। और बर्तन बहुत सारे बर्तन हो रहे हैं, ये लेटे हुए हैं, खाना क्या पूरे दिन यही खाना पीना यही चलता रहता है, बाहर पटाखे बोल रहे। चलो मम्मी पटाखे छुड़वा पटाखे, मैंने अभी नहीं, पहले मैं अपना कर लूँ, खाना पीना बना लूँ, उसके बाद में बाकी का काम करूँगी। क्या कर रही हो? नहीं, बस चलो तो मैं सेक लूँ क्योंकि कढ़ाई मेरी बहुत तेज गर्म हो गई, कचौड़ी भी बनानी तो इन सब में टाइम लगता है। कचौड़ी का आटा ये है, चलो बनाओ जल्दी जल्दी बना लूँ। तो पूजा पाठ हो गई है, थोड़ी बहुत देर बाहर बैठे, फिर खाना पीने में लग गए, सब्जी पहले ही बना के रख दी है और सबके घरों में सब लोगों ने एक दूसरे को प्रसाद दिए, सबसे हैप्पी दीपावली बोला था और आप लोगों से भी। ये देखिए इस तरीके से पूड़ियां सेकी हैं और इनको खिलाते जा रहे, बाहर का नज़ारा रखेंगे, सारा रियल रखेंगे और जो रह जाएगा वो शॉर्ट वीडियो में आप तक मैं शेयर करूँगी। ये देखो यहाँ पे इस तरीके से बच्चे इंतजार कर रहे हैं सब लोग कब आए क्योंकि पूजा उजा करके सभी लोग प्रसाद बांटने में खाना खिलाने में सब में रह गई है। वंशु ने क्लिप बनाई है, देखिए इस तरीके से रंगोली वगैरह आप सबको सुंदर लग रही है ना, फाइनल लुक नहीं दिखाया था ना यहाँ पे। ये देखिए मेरे भटूरे और छोले तैयार है, खीर तैयार है और इस तरीके से पास से आपको मैया रानी के दर्शन करा दिए। आ जाइए आप भी। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। लो सोना तो रख दिए, मैंने आप खा के देख लो और बता देना गर्मा गर्म सही लगती है क्यों जी? हाँ, ऑल द बेस्ट, अच्छी लग रही है। ऑल द बेस्ट, मैं लड़ाई पे जा रही हूँ। नहीं ठीक है, बाय बाय। ये लोग खाते जा रहे हैं, मैं इन लोगों को देती जा रही हूँ गर्म। फिर पूड़ी वगैरह कितनी खाई जाती, बहुत कम खाई जाती। कचौड़ी आलू की बनाई थी पर कचौड़ी ज़्यादा नहीं बनाई थी, थोड़ी बनाई थी क्योंकि ना आलू थोड़े से गीले वाले आ गए थे। ओ सोना, वंशिका, सोना, हाँ वंशु, हैप्पी दिवाली बोलो वंशु, हैप्पी दिवाली बोलो दोनों, हैप्पी दिवाली। सही से सोना लग नहीं जा। हाँ अब पापा अच्छा लग रहा है सोना। हाँ। सच्ची तो दीदी की चप्पल मत जला बेटा। और ये एक साइड से डालनी है। ओ वंशु, वंशु जल जाए ना तो उसमें फेंकियो। ला मुझे भी देना वंशु। ये रखी नहीं है, एक जला के दे दो मुझे भी। ये रखी, इसमें जला ले। अल्लाह देखे, आ जा दादा। ओ आराम से। राधा ले फुलझड़ी, आ जाओ राधा। आ जल जा, जल ही नहीं रही है। हाँ जल गई। ज्यादा जलाना सही नहीं है। और चलो अंदर।
मुझे बस करो। कैमरा कैसे हो गया? तेरा बाप भी नहीं जला सकता है। अच्छा बाप नहीं जला रहे, फिर कौन जला रहा है? ये देखो सही से आराम से। सही से आराम से। इसको भी आराम से लो, वेद लो लो, रहता तो है नहीं, वेद लो लो वेद। हाँ सही है, नहीं डरती नहीं डरती। कितने बजे? काफ़ी टाइम हो गया, खाना ना खा चुके हैं, पटाखे टाके जो भी फोड़ना था फोड़ चुके हैं, गली में तो लगे हुए हैं। छोटे 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 हमने कचौड़ी खाई बाहर बैठ के। सोना कटोरी उठाओ, चलो अंदर अंदर चलो। आ रही हूँ मैं राधा, पानी दे। पानी खत्म हो गया था, मयूर दे पानी। कल से पानी दियो बाबू। और बस बिस्तर करेंगे थोड़ा, समेटेंगे घर समय। अब मिलेंगे बाद में। सभी लोग फोटो शूट करा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, है ना था? सभी लोग वीडियो यहाँ पे हमने कर राधा के लिए। वो आओ वीडियो बनाते हैं। अच्छा मेमोरी सबकी वीडियो जल्दी बनना है, फोटो शूट करना है। अभी बनाएंगे, इनके साथ तो बहुत सारी वीडियो है, चलो बनाते। ये इनके पतिदेव हैं, होंगे हाँ, ये इनके पतिदेव हैं।